बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा में कबूतर की सजदा रेज वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। तफसीलात के मुताबिक हाल ही में खाना काबा के सामने मुताब के हाथे में एक कबूतर ने अपने सर को झुकाकर सजदा किया। दुनिया की कोई ऐसी मखलूक नहीं जो अल्लाह के आगे सजदा नहीं करती। हरमैन शरीफ़ैन ने अपने अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है। खाना काबा के कबूतरों के मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ कहते हैं कि ये कबूतर अबाबील की नस्ल से हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरत फील में भी किया है कि हमने किस तरह हाथी वालों को निस्तो नबूद किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि मक्का मकरमा में मौजूदा कबूतर इन दो कबूतरों की नस्ल से हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मौका पर गारे सौर के दहाने पर थे। इन्होंने वहाँ अंडे भी दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दवा भी फरमाई थी। यही वजह है कि आज इनकी मक्का मकरमा में इतनी इज्जत की जाती है। हरम शरीफ में इन कबूतरों को तहफ़ हासिल है, जिसके बाद इनकी तादाद में इजाफा हुआ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि ये बिट्ठे हरम शरीफ से बाहर जाकर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ अरसा पहले कबूतरों की बिट्ठे मक्का मकरमा की इमारतों के हुसन को खराब कर रही थीं, जिसकी बदौलत सऊदी हुकूमत ने जदीद आलात नसब किए, जहां कंप्यूटराइज सिस्टम से जोड़ने के बाद कबूतरों को वहां से दौड़ाया जाता है। सऊदी उलमा के मुताबिक हरम के कबूतरों को मारना, इनको इजा पहुँचाना और गजा से महरूम रखना किसी भी तौर पर जायज नहीं है, और ना ही कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना जायज़ है जिसकी बदौलत कबूतरों को यहाँ से नकल मकानी करना पड़े। जब सऊदी हुकूमत ने हरम शरीफ का इंतजाम संभाला तो इन्होंने मस्जिद नबवी और हरम को साफ सुथरा रखने के लिए यह फैसला किया और पाबंदी लगा दी कि हरम शरीफ और मस्जिद नबवी के कबूतरों को कोई दाना ना डाले। इस तरह कबूतर दाना की तलाश में दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएंगे। इस तरह हरम शरीफ और मस्जिद नबवी साफ सुथरे रहेंगे। इस तरह कई दिन गुजर गए, कबूतरों को दाना ना डाला गया, मगर कबूतरों का हरम शरीफ और गुम्बदे खजरा से मोहब्बत का ये आलम था। इन्हें भूख से मरना गवारा था, मगर वो हरम और मस्जिद नबवी को छोड़ने के लिए तैयार ना थे। इस भूख की वजह से काफी कबूतर मरे। मजबूरन सऊदी हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इस इश्क को ना सिर्फ मदीना वालों ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया में कबूतरों की शोहरत फैल गई। कुछ अरबी लोगों का ख्याल है कि ये कबूतर इस कबूतर की नस्ल से है जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से आया और बताया कि जमीन खुश्क हो चुकी है, लेकिन ये बात हकीकत पर मबनी है कि ये वही कबूतर हैं जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा दी थी। जब अबू जहल और उसके साथी गारे सौर तक पहुंच चुके थे तो मकड़ी ने गारे सौर के दरवाजे के आगे जाला बना दिया और कबूतरों ने अंडे दे दिए। जब ये लोग गारे सौर तक पहुंचे तो इनमें से एक गार के अंदर दाखिल होने लगा तो दूसरे ने देखा आगे मकड़ी ने जाल बुना है। दूसरे ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि दरवाजे पर कबूतरों के अंडे हैं, मकड़ी का जाल बना है। अगर अंदर कोई दाखिल होता तो अंडे टूटते और मकड़ी का जाल टूटता। लिहाजा काफर वहां से वापस चले गए। तभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दवा फरमाई।